खबर। झांसी जनपद से जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही, वैसे ही प्रत्याशियों की जनसंपर्क की गति भी तेज होती जा रही है। झांसी सदर सीट से AIMIM के प्रत्याशी सैयद सादिक अली का तूफानी जनसंपर्क भी लगातार जारी है। इसी क्रम में सैयद सादिक अली ने आज अली गोल खिड़की बाहर, ओरछा गेट, छनियापुरा, सागर खिड़की आदि में जनसंपर्क किया। मीडिया से बात करते हुए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी सादिक अली ने कहा, मजलिस का कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बिना किसी भी सरकार का गठन होना संभव नहीं। उन्होंने कहा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अपना परचम लहराएगा। इस दौरान समर्थकों में काफी जोश देखने को मिला, वहीं समर्थकों ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर कलाम कुरैशी, बॉबी सिद्दीकी, आसिफ मकरानी, राखी कुशवाहा, सवा खान, वीरेंद्र कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज, प्रत्याशियों ने भी अपने जनसंपर्क की रफ्तार बढ़ाई। आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रत्याशी सादिक अली, आइए क्या कुछ कहना है भाई। आज कहाँ का हो रहा है जनसंपर्क आपका? आज ये सलीम बाग का जनसंपर्क है, अली गोल का जनसंपर्क है, ये पूरा क्षेत्र है जो उसका जनसंपर्क हम कर रहे हैं। क्या समर्थन मिल रहा है आपको जनता का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जी जी, मुस्लिम वोटों को अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ माना जाता है, कैसा लग रहा है इस बार मुस्लिम वोटों को? फिर समाजवादी पार्टी ने क्या दिया, आप समझ गए ना मुसलमान की बात को? हम लोगों को छला क्या है, बराबर चला जा रहा है। अब हमारे मुसलमान भाई समझ गए, बल्कि सारी लोग जो झांसी की जनता है हर बरादरी की समझ गई कि चलने वाले लोग हैं। इंसाफ की बात तो पहले से साफ करते हैं। देखिए मुद्दे तो बहुत है यहाँ पर, जैसे टैक्सी स्टैंड नहीं है, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। आप देखिए हम जो गरीब बस्ती, मालिन बस्ती और मुस्लिम बस्ती के अंदर जो है प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूल जो होंगे उनको बनवाना है। पानी की व्यवस्था है, पानी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल पीने का, और जरा पानी भर जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति बनती है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था के वादे करती थी, दावे करती थी, और आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय हमला हुआ, क्या कहना है इसका? ये देख लीजिए, दावे सब खोखले थे, दावे सारे खोखले थे, और हमारे जो बैलेस्टर साहब पे हमला हुआ, सरेआम हमला हुआ, और वो तो ये कहिए कि फोटोज मिल गए, और ना तो लोग पता नहीं क्या क्या बात करते। आप अगर जीतते तो कानून व्यवस्था के लिए क्या क्या उठाएंगे? कानून व्यवस्था के लिए पहला मुद्दा ये होगा कि जो जायज तरीके से कानून होना चाहिए, आज जो जुल्म कर रहे हैं उन पर कानून शिकंजा नहीं कसता है, जो जुल्म जिन पर नहीं होता है उनको बंद कर दिया जाता है। भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और अभी तक जो भी जितनों ने भी हमारे वोट लिए हैं, हमारा काम बिल्कुल नहीं किया है, और हमारे दलित भाइयों का और अति पिछड़ों का सब क्या समर्थन मिल रहा है झांसी में? अपार समर्थन मिल रहा है हमारे सादिक भाई को, ओवैसी जी के नाम से और AIMIM पार्टी के नाम से। हमारे मुस्लिम वोटर का क्या रुझान है? देखिए मुस्लिम वोटर का तो रुझान क्लियर है, हमें 70 सालों से सिर्फ छला गया है। अब हमारी लड़ाई जो है वो किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई राजनीतिक हिस्सेदारी की है। समाजवादी पार्टी कह रही है मुस्लिम वोट हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ हम लोगों को ठेका दिया था कि बीजेपी को हराना है। मुसलमान ये समझ चुका है कि कोई भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो हमारे हित, हमारा वोट तो चाहती है लेकिन हमारे हित की बात नहीं करती है। मुस्लिम समाज का और तमाम जो दीगर समाज है, जैसे कुशवाहा समाज है और दलित समाज है, ये भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इस सीट को जीत कर हम झांसी का इतिहास बदलने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपसे प्रत्याशी खड़े हो सादिक भाई, क्या लगता है जीतने की क्या उम्मीद होती? पूरे जीतने की उम्मीद है, कोई यही नहीं है टक्कर में। तो समर्थन मिल रहा है झांसी जनता? पूरी अपार समर्थन मिल रहा है। देखा हमारे साथ मौजूद थे झांसी के सदर विधानसभा के AIMIM के प्रत्याशी सादिक अली साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल से रद्द हो चुकी है। अगर हम जीतते हैं तो कानून व्यवस्था के लिए कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं जावेद मकरानी, झांसी।